बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में माँ का ममतामयी और खूबसूरत किरदार निभाकर मशहूर हुई स्वर्गीय अभिनेत्री रीमा लागू ने अपनी कड़ी मेहनत और अपने दमदार अदायगी की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया था और बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया था जिसे आज तक कोई अभिनेत्री हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन दोस्तों, आप सभी रीमा लागू माँ वाले किरदार को तो जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इन्होंने अपने आम सी जिंदगी से निकलकर बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखने तक का सफर कैसे तय किया था, यानी कि इनके बॉलीवुड के सफर की कहानी कैसी थी। अगर नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं रीमा लागू के बॉलीवुड सफर की कहानी के बारे में, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में मां का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई यहीं से पूरी की थी। लेकिन अगर बात की जाए इनके बॉलीवुड सफर की कहानी के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मराठी मंच से की थी, जहां पर सबसे पहले इन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया, जिसमें इन्हें काफी नोटिस किया गया। इसीलिए तो इन्हें सबसे पहले साल 1979 में मराठी फिल्म सिंहासन ऑफर हुई, जिसमें इनके शानदार अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। और इस फिल्म के बाद इन्हें साल 1980 में सबसे पहले हिंदी फिल्म आक्रोश ऑफर हुई, जिसके अंदर इन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की, जिसके चलते इन्हें आगे चल के और भी कई सारी फिल्में ऑफर हुई, जिनमें कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया और आशिकी जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें इन्होंने ज्यादातर माँ का किरदार निभाकर बॉलीवुड में एक माँ के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना ली और बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर लिया। इसी के साथ साथ इन्होंने इन फिल्मों के दौरान कई सारे टेलीविजन शोज में भी काम किया, जिनमें श्रीमान श्रीमती और तू तू मैं मैं जैसे सीरियल शामिल हैं, जिनमें काम करके इन्होंने टेलीविजन उद्योग में भी काफी नाम कमाया और कड़ी मेहनत करती रही। तभी तो इन्होंने बिना ब्रेक लिए इन सीरियल को करने के बाद हम आपके हैं कौन, दीवाने, मस्ताने और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में काम करके इन्होंने अपनी कभी न मिटने वाली माँ की छवि के रूप में ऐसी पहचान बनाई जो आज तक इन्हें सभी माँ के किरदारों में ही बेस्ट अभिनेत्री मानते हैं, जिन्होंने अपने माँ वाले कैरेक्टर को इतनी शिद्दत से निभाया है कि इनकी इस कड़ी मेहनत को देखते हुए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इन्हें काफी काम दिया। और यह हमें हम साथ साथ हैं, वास्तव, द रियलिटी, जिस देश में गंगा रहता है और मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्मों समेत लगभग 118 फिल्मों में काम किया है, जिनमें मराठी और हिंदी दोनों ही फिल्में शामिल हैं। साथ ही इन्होंने लगभग 14 टीवी सीरियल्स में काम किया है, मगर जब ये नामकरण सीरियल में काम कर रही थी तो इसी सीरियल के बीच 17 मई साल 2017 को शूटिंग के बाद जब घर आई तो अचानक से इनके सीने में दर्द उठने लगा, जिसके बाद इन्हें मुंबई के धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अगली सुबह 18 मई 2017 को हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया और इनका शानदार बॉलीवुड का सफर समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आपको रीमा लागू का बॉलीवुड का सफर इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।